भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण होना, हर गरीब परिवार को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवा देना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य पहले भी हो सकते थे। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस तो जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है, यही तो कहते थे। इनके लोग तो यही कहते थे, वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी, और इसके लिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास का ये नारा समग्रता को लेकर के चलता है, और ये राम राज्य की आधारशिला यही है, यही राम राज्य है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, किसी का नहीं। और इस पर जब नहीं केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है, भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं, आज पहचान का संकट नहीं है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता, सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से तक दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है, बीमारूपन से दूर होकर इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश, नए उद्योग लग रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही रामराज्य के उदाहरणा है। एक ओर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के हर तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, कोई होली दीपावली कुछ भी आई पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे, आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है, और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती क्या? जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कभी मत करना भाइयों बहनों। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने श्री प्रताप मोदी जी के समर्थन में इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए। एक विधायक के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ किया, लेकिन पहले कांग्रेस की सरकार ने उनके पीछे पड़कर के उनको पूरी तरह क्रैश करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हिम्मत के सामने कांग्रेस की हिम्मत जवाब दे रही है। उनके सदस्यता समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा न्यायपालिका को कि उन्होंने प्रताप लोधी की सदस्यता को फिर से बहाल करने और उसको स्टे करने का काम किया। कोरोना कालखंड में पहले स्वयं संक्रमित हुए, जनता जनार्दन की सेवा करते करते और फिर परिवार के कई सदस्यों को उनको खोना पड़ा। पैर एक बार नहीं, जनता की सेवा करते करते एक बार नहीं 5 बार पैर अपना गंवा चुके हैं। भाइयों बहनों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया, जब मुझे बताया गया कि प्रहलाद लोधी के साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई तो मैंने विशेष रूप से अनुरोध किया, मैंने कहा पवई में जरूर जाऊंगा स्वयं अपील करने के लिए। और भाइयों बहनों, आज मैं स्वयं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप में से हर व्यक्ति आज सायंकाल प्रचार बंद होगा, आप में से हर व्यक्ति को प्रहलाद लोधी बनना पड़ेगा कमल चुनाव चिन्ह के लिए, फिर से कमल खेलेगा,
फिर से पवई में और पन्ना की तीनों विधानसभा सीटों पे कमल खिलेगा। क्या ये संकल्प लेने को तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? प्रहलाद लोधी जी को आप आश्वस्त करिए कि वे चुनाव तक भले ही कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, एक बार पैर का उपचार पूरा करने फिर जनता के बीच में दौड़ करके जनता की सेवा ही उनको करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब लोग सहमत है ना? तो भाइयों बहनों मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।